दमोह जिले की सभी तहसील पथरिया, बटियागढ़, हटा, परेरा, जबेरा व तेंदुखेड़ा सेंटर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। जनवरी की इस कड़ाके की ठंड में जहां घर से निकलना भी आसान नहीं हो रहा है, ऐसे में कलयुगी और दबंग बहू की दबंगई का एक मार्मिक मामला सामने आया है, जहां दबंग बहू ने सास ससुर को पीटकर इस कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकाला और उनके मकान पर कब्जा कर लिया है, जिस वजह से बुजुर्ग दंपत्ति खुली छत एवं घने कोहरे के बीच आग जलाकर जीवन जीने पर मजबूर हो गए हैं। कलयुगी बहू द्वारा पीड़ित दंपत्ति पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मामला दमोह जिला अंतर्गत कोतवाली थाने का बताया जा रहा है, जहां रिश्तों को शर्मसार करने वाला यह वाकया सामने आया है। दमोह शहर के सिविल वार्ड नंबर 7 में अपने इकलौते पुत्र की पत्नी बहू द्वारा अपने बुजुर्ग सास ससुर को घर से बाहर निकालना। बुजुर्ग दंपत्ति 3 दिनों से लावारिस की तरह भटक रहे हैं। उनके पास ना तो खाने के लिए कुछ है और न ही घर जा पा रहे हैं। बुजुर्ग दंपत्ति ने अब दर दर की ठोकरे खाने के बाद दमोह पुलिस अधीक्षक की मदद की गुहार लगाई है। सिविल वार्ड 7 के 70 से 75 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति गोदन सिंह राजपूत व पत्नी आशारानी पति गोदन सिंह राजपूत ने पुलिस अधीक्षक दमोह के एक आवेदन प्रस्तुत करते हुए मदद की गुहार लगाई है, जिसमें बताया गया है कि पत्नी आशारानी के नाम से सिविल वार्ड नंबर 7 में एक मकान है जो राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज है। हम उसमें निवास करते थे। हमारा एकमात्र पुत्र मंजीत सिंह, जिसकी शादी करीब 7 वर्ष पहले रानू राजपूत से की गई थी। शादी के बाद पुत्र के हिस्से की जायदाद, जिसमें 7 एकड़ जमीन एवं एक नया मकान लेकर उसको अलग दे दिया था, लेकिन बहुत तेज तर्रार स्वभाव की होने की वजह से हमारे हिस्से की जमीन जायदाद हथियाना चाहती है। लड़का मंजीत सीधा साधा है, जो अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता, जिस कारण से बहू रानू आए दिन हम दंपतियों के साथ मारपीट एवं गाली गलौज करती है। अब बहू घर पर कब्जा करने के लिए आमदा है। कड़कड़ाती ठंड में हम दंपतियों को घर से बाहर निकाल कर घर में घुसने नहीं दे रही है। 1 अक्टूबर 2023 को बहू ने हमारी पत्नी आशारानी के साथ मारपीट भी की थी। आवेदक ने अपना हक दिलाकर बहू को घर से बेदखल करने की मांग की है। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। गोदन सिंह राजपूत, हमारी बहू हमको मारपीट करती है, घर से निकाल दिया है और घर जाने पर वो कह रही हम मारेंगे तुमको और घर में नहीं आ सकती, सामान वगैरह के बार वगैरह फाड़ डाली और खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बाहर हैं है? हम कहाँ जाएं? क्या नाम बहू का? बहू का रानू राजपूत, ग्राम मंजुआ। और हमारा हमार ठीक कर रहे और घर का सामान पूरे फेंक दाए, खोल तोड़ डाले, हमारे तीन जना बाहर जा रहे, कहाँ जाए हैं इनके हैं हमारा, लड़का भी हमारा तीन जना पता ही नहीं है कहाँ। अब क्या चाहती हैं आप? हम यह चाहते कि अपने घर में हम रहें, हमारे नाम से मकान है और हम बहू को निगाह को चाहते हैं। बहुत परेशान है, 10 साल हो गए सर, बहुत हैरान। 70 वर्षीय और 75 वर्षीय वृद्ध दंपत्ति इस कड़कड़ाती ठंड में बेसहारा होकर के घूम रहे हैं। मामला दमोह के सिविल वार्ड नंबर 7 स्थित आशा राजपूत और श्री गोदन सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है, जिनकी कलयुगी बहू ने इनके लिए इस कड़कड़ाती ठंड में इनको घर से बेदखल कर दिया है। चूँकि इन वृद्ध दंपत्ति ने अपने एकमात्र पुत्र मंजीत के लिए उसके नाम पर उसकी प्रॉपर्टी कर दी थी कि जो भी उसके हिस्से में आता था, ताकि उसके लड़के बहू अच्छे तरीके से रह सके, उसके बावजूद ही बहू की ये लालसा पूरी नहीं हुई और उन्होंने इस कड़कड़ाती ठंड में अपने बच्चे और बहू के लिए घर से बेदखल कर दिया है, ताकि वो बाकी की संपत्ति और मकान के लिए भी अपने हिस्से में करा सके। इस वृद्ध दंपत्ति के साथ में इस कड़कड़ाती ठंड में उस बहू के द्वारा न केवल मारपीट की गई है, अपितु इस वृद्ध माता के लिए उसने मारपीट करते हुए घर से बाहर निकाला है और पटक भी दिया था। ये पूरी शिकायत लेकर के ये मेरे पास में आई हुई थी। इस विषय में हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से भेंट की। भेंट में चूँकि हम थोड़ा सा विलम्ब हो गए थे, इस कारण से फ़ोन पर चर्चा हुई, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको ये संबल दिया हुआ है, साथ साथ ये आश्वासन भी दिया हुआ है कि इस वृद्ध दंपत्ति की हम निश्चित तौर पर सहायता करेंगे। साथ के साथ इस वृद्ध दंपत्ति के पक्ष में हम जो भी वृद्ध बुजुर्ग दंपत्तियों की जो योजनाओं का लाभ हो सकता है या इनके संबंध में जो भी मुकदमा हम दर्ज कर सकते हैं, इस कलयुगी बहू के विरुद्ध में निश्चित तौर पर करेंगे। एक और विचारणीय बात है, इस वृद्ध दंपत्ति का ऐसा कहना है कि हम चूँकि 2 दिन से घर नहीं गए हैं, खाना पीना हमने खाया नहीं है,
अब आज इस कड़कड़ाती ठंड में हमारा कौन सहारा है, हम किसके साथ में रहेंगे? ऐसी स्थिति में हम आज विवश हैं कि हम उस पुलिस अधीक्षक कैंपस में ही निवास करें ताकि हमारी बहू हमें घर जाने पर मारपीट हमारे साथ ना कर सके। इतनी बदतर परिस्थिति इनके साथ में हो चुकी है। Subscribe now to most exciting channel ever.